बटा गिराओ सरकार, तो नियत ही आपका ठीक नहीं है, क्यों नहीं लाया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। देखिए, सब तो सबके सामने है, अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। और कोई इससे एक मिनट, जैसे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि ये 9th शेड्यूल में लाना स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज मिसलीडिंग द हाउस फर्स्ट थिंग एंड सेकंड? क्या तो स्पष्ट तौर पे क्या है कि झूठ बोल रहे हैं? एग्जैक्टली, मिसलीड कर रहे हैं। क्या कोई आप लीगल ओपिनियन इस पे लेकर तब जो चाहेंगे? दे विल बी गोइंग टू द कोर्ट एंड विल बी, अपना जो पक्ष है, जो हमारा साइड है, वी विल पुट इन व्यू ऑफ द कोर्ट। विजय चौधरी ने आपको याद होगा विधानसभा में कहा था कि हम लोगों ने अनुशंसा भेज दी है, और ये भी कहा, दूसरी बात एक सुन लीजिए कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो साहब सूची में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का, जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को गया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी नौवीं अनुसूची में डाल देता हूँ। अरे अरे, अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल दीजिए, जो कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो बिहार के व्यक्ति था ही नहीं, वो तो भाजपा का वर्कर था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई, जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है, अब भारत सरकार का इस पर जवाब भी आ गया है। अब कोर्ट में है तो हम कहां मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम भी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिहार सरकार पक्ष रख रही है नहीं रख रही है अच्छे से, कम से कम हम तो रखेंगे ना अच्छे से, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। अच्छा टेल मी, आप बताइए रिफ्यूज कौन सी सरकार ने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जेडीयू इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट? उनका निर्णय जेडीयू का निर्णय है कि नहीं है? उन्हीं का निर्णय। आप किसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, यहाँ भी तो उन्हीं की सरकार है, ऐसा नहीं है कि जेडीयू का जो सरकार है किसी और के साथ भाजपा के साथ है, अब भाजपा की बदौलत ही है यहाँ और वहां इनके बदौलत है। तो मुख्यमंत्री को इतना तो हैसियत अब मिल गया है ना भाई, अब इसकी स्टैंड ले सके और जो स्टैंड ले ले उसको होना चाहिए, वरना गिराओ सरकार। तो नियत ही आपका ठीक नहीं है।